एशियन ने अपने 1200 रुपए की रेंज में दो न्यू शूज ऐड कर दिए, एक का नाम है कूलकॉम 01 और एक का नाम है क्रोम 02। अब अपन देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये शूज, कितने कंफर्टेबल हैं, क्या आपको इनको रनिंग के लिए लेने चाहिए या फिर आपको सिर्फ कैजुअल वेयर में पहनना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग की, कैसा शूज मुझे रिसीव हुआ है, कैसे बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर एशियन की एक बात अच्छी है कि हमेशा जो बॉक्स की कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहती है, पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छे रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्रोम 02 की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर गाइस आपको बेसिकली एशियन का सेम बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी एक पॉली बैग एशियन की और थोड़े बहुत जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो यहां पर जो मैं सबसे पहले शूज की बात करता हूं, क्रोम 02 जो शूज है वो दिखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं और फर्स्ट व्यू में जो रहता है कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैसा रहा है, तो वो मुझे देख के इसको काफी अच्छा लगा है। यहां पर हम बात करें इसके कलर की, तो मुझे जो कलर रिसीव हुआ है वो है लाइट ग्रे प्लस ब्लू का एक कॉम्बिनेशन। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो शूज है वो डुअल टोन कलर ऑप्शन में आएंगे। आपको आपके पास चार वेरियंट्स अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 2200 रुपए की इसकी जो डिसाइडेड है, लेकिन 50% ऑफ के बाद आपको शूज मिल जाएगा 1100 से लेकर 1200 रुपए में, तो मुझे कहीं ना कहीं वर्थ डील लगी है। बात कर लेते हैं शूज के मटेरियल की, तो यहां पर आपको फुल टू मैच मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो कि डुअल कलर ऑप्शंस में आता है। यहां पर जो भी ग्रे कलर है वो पूरा मैच है, ब्लू कलर है वो भी मैच है, लेकिन एशियन ने यहां पर बहुत अच्छी चीज करी है कि ब्रांडिंग जो करके रखी वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और यहां पर इन्होंने न्यू लोगो अटैच कर दिया जो कि प्लास्टिक के वर्क के ऊपर है, एशियन स्टेप बियॉन्ड, तो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ब्रांडिंग वर्क। और मैं बात करूं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है एशियन अपने प्रोडक्ट के साथ, तो R&D काफी अच्छी हो रही है और वो देखने को मिल जाती है शूज में। यहां पर गाइस आपको टंग पे भी एक लोगो देखने को मिल जाता है जो कि एशियन ने अपना इंप्रोवाइज कराया है और इसके ऊपर लिख दिया है सुपर मूव। तो यहां पर बेसिकली आप जो भी शूज लेंगे वहां पर डिफरेंट आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो टंग की बात करूं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टंग है, काफी बड़ी है और मोटी भी है, और इसके पीछे जो है आपको एशियन की ब्रांडिंग वर्क देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर एशियन का लोगो और साइज चार्ट वगैरह इंक्लूड करके रखे हैं। तो बेसिकली मुझे शूज जो दिखने में काफी अच्छा लगा है और मैं इसको थम्स अप दूंगा। बात कर लेते हैं यहां पर इसके सोल की, तो यहां पर आपको सोल हाइट है वो मिल जाएगी 1.4 इंच की, जो कि काफी मुझे बड़ी लगी है। और बेसिकली अगर आपकी हाइट छोटी है और आप देख रहे हैं कि कुछ मुझे बड़ी सोल हाइट का शूज मिले और कंफर्टेबल मिले, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहां पर जो साइड सोल में जो वर्क करके रखा गया है वो बेसिकली प्लास्टिक वर्क का है, व्हाइट कलर में आता है, दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो कंफर्टिंग के लिए करके रखा है वो देके रखा है आपको सॉफ्ट फोम, जो कि बेसिकली फोम वर्क करके रखा है, पैटर्न में है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इसमें स्लिप रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, मतलब प्लास्टिक का जो वर्क करके रखा है इसके सोल में वो आपको कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंटल स्लिप ऑन से बचाएगा। यहां पर आपको पीछे के साइड जो है गाइस शू होल्डिंग स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है, मतलब यहां पर कुछ भी मिस आउट नहीं किया है। और मुझे जो लेसेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, उसके ऊपर जो वर्क करके रखा है, आपको बेसिक लेसेस नहीं देके रखी है, उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट देके रखा है जो कि काफी अच्छा लगता है। स्टेप बियॉन्ड के लोगो जो है आइट साइड दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक बात यह रहती है कि मुझे फर्स्ट फील में कैसा लगा है मेरे हाथ में उठाने पर, तो गाइस ये बहुत ज्यादा ही हल्का शूज है। मतलब बात करूं इसके वेट की तो 240-250 ग्राम इसका वेट आया है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहां पर हम फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करें तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल शूज है और आसानी से जो है बैंड अप हो जाते हैं। तो यहां पर बात आती है कि रनिंग के लिए मैं इसको लूं या नहीं, या मैं इसको वॉकिंग के लिए लूं नहीं, तो बेसिकली गाइस लुक वाइज जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप कैजुअल वेयर में पहनना चाहते हैं तो ये शूज बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक्सट्रीम रनिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये शूज नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल रनिंग और नॉर्मल जॉगिंग भी करते हो तो वहां पर ये शूज बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि यार हम ऑफिस जाते हैं या फिर हमको डेली वेयर करना है, तो ये शूज गाइस उस चीज के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां पर जो अंदर मेमोरी फोम देके रखा है, मेमोरी फोम से जो कंफर्टिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और साथ में जो सोल में फोम देके रखा है उसके कारण भी जो इसका कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो बेसिकली गाइस ये शूज मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। अगर आप बेसिकली कैजुअल वियर, नॉर्मल रनिंग, नॉर्मल जॉगिंग के लिए शूज देख रहे हैं तो आप इसको ले लेना, कंसीडर कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आएंगे, क्योंकि रनिंग कंफर्ट मुझे बहुत ज्यादा यहां पर अच्छा देखने को मिला है। 1200 रुपए की इसकी प्राइस है, आपको बाय करना है, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लेकिन एक चीज वही बोलूंगा मैं कि बहुत ज्यादा अच्छा है शूज लगा है और रिकमेंडेड रहेगा अगर आपको लेना है तो। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा शूज है उसका नाम है कूल फोम 01, यहाँ पर भी आपको पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि मुझे डब्बा जो है डैमेज रिसीव हुआ है। यहाँ पर बात करूँ तो आपको साइड में प्राइस चार्ट और आपके साथ ही साथ यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह देखने को मिल जाता है। मैं इसको जब ओपन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर मुझे पॉली बैग, मुझे एक थैंक यू कार्ड और साथ ही साथ जो मेरे शूज है वो रिसीव हो गए। अभी इस शूज को मंगवाने का रीजन ये था कि इसका लुक जो है मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे थे, बहुत ज्यादा अच्छी हीलाइट लगी थी, लेकिन एक फर्स्ट फील की बात करूं तो यहां पर मुझे काइंड ऑफ शूज हैवी लगे हैं, थोड़ा सा हैवी साइड में है ये, तो बेसिकली अगर आपको आपके ऑफिसेस वगैरह में पहनना है तो वहां पर थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करूं तो 1200 रुपीज के शूज हैं, 2400 इसकी MRP है, मतलब 50% डिस्काउंट पे ये भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे एंड अमेजोन पे, जो भी आपको प्लेटफॉर्म पे लेना है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं, मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब बात करूं इसके स्पेसिफिक लुक्स की गाइस, तो दिखने में आप बोलोगे कि यार शूज तो अच्छा है, तो
बेसिकली शूज में भी आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मेरे पास करंटली जो है ब्लू कलर का ऑप्शन है, दिखने में अच्छा है। यहाँ पर हम बात करें इसके मटेरियल की, तो यहाँ पर गाइज ऊपर का जो मटेरियल है वो पूरा मैश है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे खास बात करके रखी है इसके सोल में वो ये करके रखी है कि यहाँ पर ट्रिपल लेयरिंग सोल ले गया है। मतलब साइड में आपको प्लास्टिक वर्क तो मिल ही जाएगा जो कि बेसिकली फिशबोन स्ट्रक्चर बनाता है, उसके नीचे आपको एक सोल और मिल जाएगा जो कि फोम स्ट्रक्चर में होता है, ईवा सोल जिसको कह सकते हैं, और उसके नीचे आपको टीपीआर की एक लेयर मिल जाएगी। तो बेसिकली शूज में वर्क काफी अच्छा किया है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुझे कम लगी है। और बेसिकली अगर रनिंग अगर आप करते हैं तो वहां पर थोड़े से फ्लेक्सिबल शूज लगते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वर्क करके रखा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पैडिंग वर्क करके रखा है, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर की बात करूं गाइस तो यहाँ पर आपको मेमोरी फोम भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और साइड में जो पैडिंग वर्क है गाइस वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। शूज की हाईलाइट पॉइंट ये लगी मुझे कि कूल फॉर्म टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्लूड करके रखी है, और राइट साइड में कूल फॉर्म टेक्नोलॉजी जो एनग्रेव भी है, तो शूज के लुक्स को जो है एनहेंस करता है। यहाँ पर एशियन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी टंग पे पीछे की, और आपको होल्डिंग स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है। एक और चीज की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें जो है बड़ी सोल का हाइट वाला शूज चाहिए, तो गाइज यहाँ पर मैं सोल की बात करूँ तो यहाँ पर सोल हाइट जो आपको 1.8 इंच 2 इंच देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। और बेसिकली आप जब भी इसको पहनोगे या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट छोटी है मुझे पहनना इंक्रीज करना है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है बिकॉज इसकी सोल हाइट जो है वो ज्यादा बड़ी है। बात करें इसकी ओवरऑल VFM की, तो क्या आपको ये परचेस करना चाहिए, तो बेसिकली गाइज अगर आप रनिंग शूज देख रहे हैं तो वहां पर ही थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अगर आप कैजुअली वियर पहनना चाहते हैं या फिर आपको नॉर्मल डेज में पहनना है तो शूज बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आता है। थोड़ा सा हैवी है वहां पर आपको कंसिडरेबल करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी हैवी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी फोम इंक्लूड कर दिया है तो उससे कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आ जाता है। 1200 रुपए का ये शूज है, आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहां से बाय कर लेना। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को रैप अप, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लेके आएंगे और भी बहुत सारे रिव्यू, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ताकि हम ऐसा ही ग्रोथ कर सकें और आपके लिए ऐसे वीडियो ला सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।